हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुक विद विद्या एंड मिकी। मैं आपका फिर से स्वागत करती हूँ। तो आज मैं बहुत ही हेल्दी और बहुत ही आसान है ये स्नैक्स, जो खाने में बहुत ही अच्छा लगता है, और ये मैंने मसूर दाल से बनाया है। तो चलिए देरी न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन पे जरूर घंटी दबाएं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, ये मसूर दाल है, इसे मैंने भिगोकर रात में रख दिया था। चाहे आप सुबह में भी, शाम में अगर बना रहे हैं, तो आप इसे 3 से 4 घंटे में भी ये फूल जाता है अच्छे से। मसूर दाल है और बहुत ही फायदेमंद होता है। तो इसका पानी निकाल लेते हैं। अब इसे मिक्सर जार में डालकर पीस लेंगे, पानी दे देंगे, थोड़ा सा पानी डालकर इसे पीस लेंगे। बहुत जल्दी पीस जाता है ये। तो ये देखिए, मैं इसे पीस ली हूँ, बहुत ही अच्छे से, बारीकी से अच्छे से पीस गया ये। तो अब इसका काम अभी नहीं है, आगे का प्रोसेस क्या है चलिए कर लेते हैं। अब पैन लेंगे और उसको गर्म कर लेंगे, उसमें डाल देंगे तेल, सरसों का तेल डाल रहे हैं, 1 चम्मच ही डालना है, ज्यादा नहीं। अब इसे गर्म होने देते हैं। तो ये गर्म हो गया है, तो इसमें डाल देंगे राई, राई को चटकने देते हैं। तो राई चटक चुका है, तो यहाँ पर डाल देंगे लहसुन, अदरक छोटा छोटा बारीकी से कट करना है, हरी मिर्च, कड़ी पत्ता और प्याज, एक प्याज है। तो पहले सभी चीजों को डाल देते हैं, सभी चीजों को एक साथ ही डाल देंगे। उसके बाद इसे पकाएंगे। प्याज जब हल्का सा भून जाएगा, इस तरह का कलर हो जाएगा, ये देखिए। तो अब इसमें अब मसाला डाल देते हैं। तो मसाला गैस यहाँ पे लो कर देंगे। तो सबसे पहले डालेंगे यहाँ पर नमक स्वाद अनुसार, थोड़ा सा हल्दी, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा ऑरेगानो। अब सभी मसाले को अच्छे से इसके अंदर मिक्स कर लेंगे। अब मसाले को अच्छे से पका लेना है। तो अब गैस के फ्लेम को थोड़ा सा मीडियम में कर देंगे। ये जो स्नैक्स है बहुत ही अच्छा लगता है खाने में और हेल्दी भी है, क्योंकि बहुत कम तेल से बनाऊंगी मैं इसे। और मसूर दाल जो होता है हमारे सेहत के लिए भी बहुत ही अच्छा होता है। बच्चे अगर दाल नहीं खाना चाहते हैं, तो आप इस तरह का स्नैक्स बनाकर देंगे, बच्चे खुशी खुशी इस स्नैक्स को एंजॉय करके खाएंगे। तो आप एक बार जरूर से ट्राई करें। तो बस ये मसाले को 1 से 2 मिनट में भून जाएगा ये। तो ये देखिए, मसाला अच्छे से भून चुका है। तो अब यहाँ पर जो हमने मसूर दाल को पीस के रखा था, इसके अंदर डाल देंगे। गैस के फ्लेम को यहाँ पर धीमी कर देंगे। और इसे चलाते रहना है, थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। थोड़ा सा पानी डालने के बाद इसमें डाल देंगे बाइंडिंग के लिए 1 चम्मच बेसन, 1 ही चम्मच डालना। अब इसे लगातार चलाएंगे जब तक ये डो की तरह तैयार नहीं हो जाता। तो इसे चलाते रहना है, छोड़ना नहीं है। इस तरह इसे चलाते रहेंगे और डो जैसा इसे तैयार कर लेंगे। डो बहुत ही जल्दी तैयार हो जाएगा, तो इसलिए धीमी आंच में ही इसे पकाना है। अगर तेज आंच में आप इसे पकाएंगे तो कच्चा रह जाएगा, तो इसलिए धीमी आंच में ही इसे हमें पकाना है। तो ये देखिए, तैयार हो चुका है ये, क्योंकि डो जैसा ये बन चुका है। तो ये हमें प्रोसेस जो है गर्म में ही करना है। अगर ठंडा कर देंगे तो ये फिर आपको जमाने में दिक्कत होगी। तो पहले जिस बर्तन में आपको इसे जमाना है, तो पहले उसी में पहले तेल लगा के पहले से रख ले। मैंने भी रख लिया है। तो बस इसे बंद करते गैस, अब चलिए जमा लेते हैं। बस इस बर्तन में मैं इसे जमाऊंगी, तो इसे डाल देते हैं और इसे फैला लेंगे
चारों तरफ से अच्छे से इस तरह। थोड़ा सा हाथ में तेल लगा लेंगे और इस तरह से फैला देते हैं। इसलिए मैंने बोला था गर्म, थोड़ा गर्म रहेगा इसलिए तभी इसे फैलाएंगे। अच्छे से इसे फैला लेना है और 10 मिनट के लिए अब इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। 10 मिनट में ही ये अच्छे से तैयार हो जाएगा। उसके बाद भी आगे का प्रोसेस है क्योंकि इसमें थोड़ा सा तड़का लगाएंगे तब जाके बहुत, आप ऐसे भी खा सकते हैं लेकिन थोड़ा तड़का लगाएंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा खाने में। तो आप वीडियो को आगे तक देखते रहें। तो ये देखिए इसे अच्छे से मैंने सेट कर दिया है, अब इसे ठंडा होने छोड़ देते हैं। तो ये देखिए ये ठंडा हो चुका है तो अब इसे पीसेस में कट कर लेंगे। इस तरह पीसेस में कट कर लेना है। अब इसे इस तरह बीच से भी इस तरह कट कर लेंगे। इस तरह पीसेस करके निकाल लेना है। ये देखिए बहुत ही अच्छा बन गया है, ये देख सकते हैं। तो अब चलिए कट करने के बाद आगे का प्रोसेस क्या है बता देते हैं। अब वही पैन को लेंगे, गर्म कर लेंगे, धो लेंगे उसे अच्छे से और फिर से उसे गर्म करेंगे। गर्म करने के बाद उसमें तेल डालेंगे। अब इसमें तेल डाल देंगे, एक चम्मच ही तेल डालना है, ज्यादा नहीं डालना है। अब इसे तेल को चारों तरफ से इस तरह फैला लेना है। तो ये गर्म हो गया तो यहाँ पर डाल देंगे राई। राई चारों तरफ से डालना है इस तरह फैलाकर, एक जगह नहीं डालेंगे क्योंकि हमें इसे फैलाना है इसके अंदर। तो एक जगह डालेंगे तो एक जगह ही, सब पे नहीं जाएगा, एक ही जगह रह जाएगा, इसलिए सभी जगह पे डालना है। चटक गया तो यहाँ पर हरी मिर्च डाल देंगे, करी पत्ता भी डाल देंगे। अब सभी को एक एक करके धीरे धीरे सभी में इस तरह डाल देंगे। एक साथ सभी आ जाएगा लगभग, क्योंकि इसे ज्यादा नहीं पकाना है, थोड़ा सा इसे सॉटे करेंगे तब जाकर अच्छा लगेगा, सोना सोना लगेगा। तो एक बार में सभी आ जाएगा। तो एक तरफ लगभग हो चुका है तो इसे पलट लेंगे। ये देखिए एक तरफ सेक चुका है ये अच्छे से, तो दोनों तरफ से अच्छे से सेक लेना है। ये देखिए तेल ज्यादा नहीं लगेगा, इतना ही में अच्छे से सारा पक जाएगा। देखिए अब जब ना इधर पलट लेंगे तब क्या करेंगे, उधर तो पक जाएगा। अब लास्ट में हमें क्या करना है, इसके ऊपर से चाट मसाला जो है बस ऊपर से इस तरह छिड़ देना है। जब पलटेंगे तब सभी पे थोड़ा सा दे देना है, चटपटा लगता है खाने में, बहुत ही अच्छा लगेगा, इसलिए चाट मसाला दे देते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप में थोड़ा सा अमचूर पाउडर अगर है तो वो भी दे सकते हैं, अगर वो भी नहीं है तो हल्का सा नींबू का रस जो होता है वो भी डाल सकते हैं। तो ये लीजिए हमारी ये स्नैक्स रेडी हो गया। और ये देखिए इसकी खनक देख सकते हैं, सुन सकते हैं, बहुत ही अच्छे आ गया। अब गैस को बंद कर देते हैं और चलिए इसे सर्व कर देते हैं।
आप इसे ग्रीन चटनी, सॉस जो भी आपके पास अवेलेबल है आप उसके साथ इसे सर्व कर सकते हैं। तो ये लीजिए हमारी बहुत ही शानदार और बहुत ही हेल्दी हमारी स्नैक्स बन के तैयार है। आप देख सकते हैं इसका लुक, आप देखिए, आपके मुंह में पानी ना आ जाए तो कहना, और आपको झटपट बनाने का मन करेगा क्योंकि ये बहुत ही टेस्टी हमारा है रेसिपी है और खाने में बहुत ही अच्छा लगेगा। और आपने वीडियो में देखा कि मैंने बहुत कम तेल में और इसे बहुत कम सामान में मैंने इसे बनाया है, तो एक बार जरूर इसे ट्राई करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर, बाय।